हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल द बाइकर समीर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं KTM ड्यूक 125 के डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि आजकल भैया हर बाइक का जो प्राइस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि बाइक को कैश में खरीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इंडियन मार्केट में भाई और भी प्राइस बढ़ेगा, इसलिए दोस्तों मैंने देखा कि 90% जो लोग हैं वो बाइक को फाइनेंस में लेते हैं। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों, फाइनेंस में कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं जल्दी, और कैश में लेना पॉसिबल नहीं है। 10% लोग ही मैंने देखा है कैश में लेते हैं। सो दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं ड्यूक 125 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं KTM ड्यूक 125 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भाई, फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको देना पड़ता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के बस दोस्तों, खुद का घर है तो आपको देना पड़ेगा अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की फोटोकॉपी। अगर खुद का घर नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। उसके बाद 2 से 3 चेक की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप भाई जॉब करते हो तो आपको अपनी 6 मंथ की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी सैलरी आती है। और अगर आप जॉब नहीं करते तो शायद आपका खुद का बिजनेस होगा, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप उसे भाई दे सकते हो ITR फाइल जो आप करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें भी आप दे सकते हो। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा, तो इजीली आपके नाम से जो है बाइक फाइनेंस हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। ड्यूक 125 एक्सोन प्राइस आपको अराउंड देखने को मिलती है 1,78,000, 1,78,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्सोन प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में अराउंड आपको मैं बताना चाहूँगा 2,07,000 रुपीज़, 2,07,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों आप लोगों के इस बाइक का क्या प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है दोस्तों 57,000 रुपये। जी हाँ, 57,000 रुपीज़ हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब हमारा बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,50,000 रुपये। अब दोस्तों 1,50,000 में आपको प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस, क्योंकि हमें प्रोसेसिंग फीस देना ही पड़ता है। तो अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,60,000 रुपए। अब हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। देखिए ध्यान रखिए, जब भी आप कोई बाइक फाइनेंस कराते हैं और कोई कंपनी आपको बाइक फाइनेंस करके दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों उसके पीछे उनका भी कुछ ना कुछ फायदा है। बिना प्रॉफिट के वो आपको क्यों फाइनेंस करके देगी, उस प्रॉफिट का नाम है रेट, वो अरे यार उस प्रॉफिट का नाम है इंटरेस्ट, जो कि हम एक्स्ट्रा पे करते हैं उस कंपनी को। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर, आपके सिविल स्कोर पर, आपके ITR अमाउंट पर। यहाँ पर मैंने 8% लिया हुआ है। 1,60,000 का 8% के हिसाब से दोस्तों 12,800 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ध्यान कि एक साल का इंटरेस्ट है 12,800। अब मान लीजिए बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, एक साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए 1,60,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 12,800 रुपए प्लस कर दो तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 1,72,800। उसे आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी अराउंड 14,400 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 12 महीनों तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। एक साल का इंटरेस्ट है 12,800 कर दो तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 25,600। अब 1,60,000 में आप 2 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो 25,600, तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,85,600। 1,85,600 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 7,733 रुपए के आसपास की, जो कि आपको पे करनी है कब तक, 24 महीनों तक यानी कि 2 साल तक। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, हालांकि मैं आपको यही सजेशन देता हूं डोंट गो फॉर 3 ईयर्स, क्योंकि 3 साल में आपको इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप कराना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिए आपके 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 12,800 करोगे तो 38,400 रुपये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, सिर्फ
38,400। अब 1,60,000 में आप इसे प्लस कर दो तो टोटल अमाउंट जाएगा 1,98,400। 1,98,400 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी 36 महीने के लिए वो बनेगी 5,511 5,511 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 36 महीनों तक। सो ये था दोस्तों KTM Duke 125 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।